बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में 59 पेज की बुकलेट छपवाई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि निचले स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के रुख और नीति से वाकिफ हो सके, पार्टी की लाइन को समझ सके। और बुकलेट में मायावती ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिल पाए, जिससे दुखी होकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती का फोन तक उठाना बंद कर दिया। तब पार्टी को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा। जबकि इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसका पलटवार किया। उन्होंने ये बताया है कि गठबंधन आखिर क्यों तोड़ा गया। जिस समय गठबंधन टूटा था, उस समय उन्होंने कहा कि वो आजमगढ़ में मंच पर ही मौजूद थे, बलराम यादव भी मौजूद थे, बिहारी लाल बाबू भी मौजूद थे, दोनों समाजवादी पार्टी और बसपा की लीडरशिप मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता कि गठबंधन टूटने की असली वजह क्या। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों टूटा है और क्यों तोड़ा जा रहा है। मेरे सामने प्रेस वाले खड़े हैं और मैं जब बाहर निकलूंगा, आखिर टूटे इस गठबंधन का प्रेस वालों को क्या कुछ जवाब दूंगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सपा बसपा पार्टी मुखिया के वार पलटवार से उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिर क्या कुछ हलचल मस्ती है और इसका आगामी चुनाव से क्या कुछ इस पर असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।